जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जिसने गलत इच्छाओं और लालच को त्याग दिया, सिर्फ उसे शांति मिल सकती है। इस सृष्टि में कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन बुरी इच्छाओं को छोड़ जरूर सकते हैं। इस नीति का सरल अर्थ ये है कि हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, इनके विषय में परेशान नहीं होना चाहिए। अगर दुख है तो उसे सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। ये क्रम यूं ही चलता रहेगा। हमारी जो भी इच्छाएं गलत हैं, उन्हें जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। दूसरों की संपत्ति को देखकर मन में लालच नहीं आना चाहिए। लालच और गलत इच्छाएं व्यक्ति का मन अशांत कर देती हैं। इनसे बचने पर ही जीवन में शांति आ सकती है। सुख हो या दुख, हमें संभव रहकर धर्म के अनुसार आगे बढ़ते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।